हाय फूडीज, वेलकम टू कोकीज किचन। आज कोकीज किचन आपके लिए लेकर आया है कुछ मीठा। तो कुछ मीठा बनने वाला है, वो है बालूशाही। जो बालूशाही सबको पसंद होती है, सभी पसंद करते हैं खाना इसे। ये हम आसानी से घर पे भी बना सकते हैं इसे। तो देख लेते हैं आगे की प्रोसेस। मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें मैंने छन्नी रख ली है। अब मैं डालूंगी इसमें मैदा। मैदे के साथ इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक है ये। ये भी सारी चीजें हम इसी में मिला देंगे और इसे हम छान लेंगे। अब इसमें हम 5 टेबलस्पून घी डाल देंगे। और 4 टेबलस्पून दही डालना है हमें। पहले हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आटे को हमें ज्यादा गूंथना नहीं है, जस्ट हमें बाइंड करना है इसे। गूंथने से बालूशाही फ्लेकी नहीं बनती है। इसमें हम डालेंगे दही। सब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आटा रेडी कर लेना है। एक साथ हमें बहुत पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटा बना लें। बिल्कुल इस तरह से करना है हमें, क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये आटा मैंने बाइंड कर लिया है, बस इसे अब हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेडी हो रहा है, तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप चीनी ले ली है। इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच पे इसे हम हिलाते हुए कुक कर लेंगे। चाशनी घुल चुकी है, अब हमें इस चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। चाशनी में अब उबाल आ चुका है। मैं इसमें अब इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसमें हमें शुगर मेल्ट होने के बाद सिर्फ हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है, जो ये थिक हो जाए, बस तब तक के लिए हमें इसे पकाना है। फिर हम इसे उतार लेंगे नीचे। चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, हमें इसे एक तार नहीं बनाना है। बस अब ये चाशनी रेडी है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं डो की तरफ।
चलिए देख लेते हैं, हम 15 मिनट हो चुके हैं, डो देख लेते हैं हम। डो रेडी हो चुका है, अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़ी साइज रख सकते हैं, मैं इससे इतने साइज में बना रही हूँ। इस तरह से चपटा करके इसमें होल बना देंगे। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल इसी तरह सारी बालूशाही रेडी कर लेते हैं। सारी बालूशाही रेडी हो चुकी है, अब हम इसे तल लेते हैं। मैंने यहाँ तेल गरम करने रख दिया है, गरम हो चुका है तेल, आप इसे घी में भी तल सकते हैं, मैंने यहाँ तेल लिया है। तो चलिए हम इसे तल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तल लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे इस तरह गोल्डन करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसे डायरेक्ट गरम चाशनी में डाल देती हूँ। इसी तरह हम सारी बालूशाही तल लेंगे और इसे हमें गरम चाशनी में ही डाल देना है। चाशनी अभी भी हमारी हल्की सी गरम है, मैंने उसे ढक के रखा था। बस इस तरह हम सारी बालूशाही डाल देंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल के डाल देंगे चाशनी में। देखिए फ्रेंड्स, बालूशाही बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें चाशनी में इसे 1 घंटे तक छोड़ देना है और बीच में हम इसे एक बार पलटा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं हम। 1 घंटा हो चुका है, बालूशाही हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए बालूशाही रेडी है, 1 घंटा हो चुका है, बीच में मैंने इसे पलटा लिया था। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी प्लेटिंग हो चुकी है, मैंने इसे सर्व कर लिया है। इस पे मैंने पिस्ता और आलमंड्स डाल के गार्निश कर लिया है। तो देखते ही मुंह में पानी आ गया ना आपके, तो चलिए आप ही बनाइए और जरूर कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए मैंने इसे काट लिया है, मैं आपको बताती हूँ कि कितना जूसी बना है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम जूसी है, अंदर से भी बहुत रस है इसमें, चाशनी अच्छे से अंदर जा चुकी है। बिल्कुल इस तरह आप बनाइए और जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक का बटन क्लिक करिए, इसे जरूर शेयर करिए और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।